नमस्कार। जो है आप पोषण ट्रैकर पे लॉगिन करते हैं, आपको सबसे पहले डैशबोर्ड दिखता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो मोर सेक्शन यानी ज़्यादा सेक्शन में जो जो फीचर्स दिए गए हैं ना उनके बारे में। तो हम लोग नीचे के कॉर्नर पे ज़्यादा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे होम बटन है, यहाँ पे ज़्यादा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है संसाधन, घटनाएँ, आधार सत्यापित करूँ, लाभार्थी निवारण, लाभार्थी प्रवास, मुद्दा उठाएं, आंगनवाड़ी केंद्र उपयोगकर्ता, आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति, AWC इंफ्रास्ट्रक्चर, AWH प्रोफाइल अपडेट करें, ए अपडेट AWC लोकेशन, भाषा चुने और लॉग आउट। तो एक एक करके हम यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले संसाधन है, तो जैसे ही आप संसाधन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ना वीडियो के माध्यम छोटे छोटे वीडियो 15 मिनट 20 मिनट के वीडियोस दिए गए हैं, जिसे आप प्ले करके सेविका अपने नॉलेज को बढ़ा सकती हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकती हैं। तो इस तरह से आप जब भी समय मिले तो आप क्या करें, ये जो भी छोटे छोटे मॉड्यूल पड़े हुए हैं तो यहाँ पर क्लिक करते ही आप कमजोर नवजात शिशु के लिए कंगारू मदर केयर मॉड्यूल में मैं आपकी मार्गदर्शिका रहूंगी। डिस्कस करते हैं आप इसे। आज हम इस मॉड्यूल में अब दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास घटनाएं। घटनाएं में चार चीजें आती हैं। सबसे पहला है आपका योग दिवस, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता, पोषण दिवस, CB जिसे सामुदायिक आधारित गतिविधियाँ कहते हैं, और चौथा है प्रशिक्षण मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम योग दिवस पे क्लिक करेंगे। योग दिवस हम 21 जून को मनाते हैं, और पोषण पखवाड़ा और पोषण माह में जो भी एक्टिविटीज़ हमें मिनिस्ट्री की ओर से दी जाते हैं उसमें पोषण योगा दिवस भी होता है, तब वो हम उसे मनाएंगे। जैसे यहाँ पे आज मान लीजिए जिस दिन तारीख है, मैंने 25 तारीख है, आज हमने योगा दिवस मनाया। अगर पोषण, मैं जस्ट बता रहा हूँ, आप जब आपको एक्टिविटी जिस दिन करनी हो अपने आंगनवाड़ी सेंटर पे उस डेट को वहाँ पे लेंगे, और आपके केंद्र पे जो जितने उस दिन लोग आए हुए हैं, जैसे गर्भवती महिलाएँ कितनी आए हुए हैं, उस तरह से आप उन्हें गिनकर यहाँ पर लिख देंगे। सपोज़ हमारे के 6 आई थी गर्भवती धात्री, 3 आई थी, अगर 3 से 6 वर्ष के बच्चे 6 थे, किशोरियाँ 1 थी, AWW तो आंगनवाड़ी वर्कर आप ही की होंगे, AWH आप ही की होंगे, NM ही की होंगी, ऐसा करता अगर आएंगे तो 1 हो लिखेंगे, अदरवाइज 0 लिखेंगे। महिला परिवीक्षिका आई होंगी तो 1 लिखेंगे, अदरवाइज 0 लिखेंगे। CDPO अगर आएंगे तो 1 लिखेंगे, अदरवाइज 0 लिखेंगे, और सुरक्षित कर देंगे, आपका सबमिट हो जाएगा। जैसे ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता दिवस है ना, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है क्या इस महीने वेज संडी का आयोजन किया गया था, तो वहाँ करेंगे, और आपको जिस दिन वेज संडी करते हैं उस तारीख का डेट आप ले लेंगे। तो 17 तारीख को क्या था, आपके कितने पार्टिसिपेंट उस दिन आए थे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जिनको THR ग्रोथ मॉनिटरिंग और वैक्सीनेशन पड़ता है ना, वेज संडी डे के एक दिन पड़ता है, महीने में एक बार एक्टिविटी है तो आप उसको काउंट कर लेंगे। मतलब 20 लोग आए थे तो 20 लोग कर देंगे, 25 लोग आए तो 25 लोग कर देंगे, जिनके आपको लिख देना है जितना आए थे। फिर क्या AW जो आप वर्कर हैं सेविका प्रेजेंट थी पूछ रहा है, वहाँ करेंगे आप सबमिट कर देंगे। और उस पर फिर अब आता है CB, क्या आपने इस महीने CB का आयोजन किया था, अगर हाँ करेंगे तो हाँ करेंगे, और आपका सपोज़ महीने में 2 CP करने हैं, दूसरे अगर दूसरे हफ्ते में कर रहे हैं तो फिर चौथे हफ्ते में होगा, मतलब 15 दिनों के अंतराल पे होगा, तो आप सिलेक्ट करेंगे डेट 8 तारीख को जो आपका जिस दिन आपका सिलेक्टेड होगा, और आप ये इनमें से एक्टिविटी चूज़ करेंगे। पहला जो इन्वाइटिंग वुमन ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब कि गर्भवती को गोदभराई करते हैं हम लोग, वो है। दूसरा है अन्नप्राशन दिवस, हम लोग अन्नप्राशन दिवस बच्चों को किया जाता है जब वो उसके 6 महीने की एज हो जाती है। तीसरा सुपोषण दिवस, ये पति
गर्भवती के पति को जो मैसेज देने होते हैं, तो हम लोग आयोजित करते हैं सुपोषण दिवस 3 महीने में एक बार, गेट रेडी फॉर प्री स्कूल एजुकेशन जो करते हैं हम लोग आंगनबाड़ी सेंटर पे, और पब्लिक हेल्थ मैसेज, ये 5 एक्टिविटी दी गई है। पहला थीम हम चूज करेंगे, जब हम गोदभराई करते हैं तो सुरक्षित कर देंगे। तो जो समुदाय दर आधारित गतिविधियाँ कंप्लीट हो गई, आपका जब दूसरा चूँकि मंथ हमारा कंप्लीट है तो अभी हम भर देंगे। हाँ, दूसरा हम होगा तो चौथे बुधवार ना, 15 दिनों के अंतराल में। तो ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, थीम सिलेक्ट करेंगे अनप्राशन, दूसरा हमारा थीम है इसे सुरक्षित कर देंगे। तो हमारा दूसरा CVV होता है प्रशिक्षण मॉड्यूल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबका डेट भरा हुआ, जैसे यहाँ पे हमारे इधर में जिसका नहीं भरा वहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है, मतलब चौक और बॉक्स बनाया। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे डेट आएगा, डेट सेलेक्ट कर देंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। तो जितने भी स्क्वायर बॉक्स बने हैं उसका आपको भर देना है। अब चलते हम आधार सत्यापित करूँ पर, जिनका भाई आधार वेरीफाइड नहीं है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार सत्यापित करेंगे। अगर डिटेल आपका नाम, आधार नंबर, नाम, आधार नंबर, जन्म तिथि और लिंक जो है अगर आधार कार्ड के हिसाब से होगा तो आपका डेटा सबमिट हो जाएगा और वहाँ पे ग्रीन कलर से सक्सेस का मैसेज लिखाएगा, अदरवाइज ये इनवैलिड आधार नंबर बोलेगा, आपको मैसेज देगा। तो आपको क्या करना है, उसके प्रोफाइल में जाना है, जैसे AABP हमारे ये एग्जांपल है, तो मैं इस पे इसके प्रोफाइल पे जाता हूँ, गर्भवती में है ये, यहाँ पे जाएंगे खोजेंगे अपनी बेनिफिशियरी को, इसे आ गया। तो इसके प्रोफाइल पे हम जाएंगे, प्रोफाइल अपडेट करेंगे, ये हमारा टेस्ट केस है आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे नाम है उसको अपडेट कर दिया, अगर कुछ गड़बड़ी है, मान लिया पहला लेटर कैपिटल था आधार में, मैंने ये कर दिया, आधार नंबर हमारा सही है, डेट ऑफ बर्थ मैच कराएंगे और जेंडर मैच कराएंगे और ये सबमिट कर देंगे। तो अपडेट हो गया, या तो फिर से वहाँ पे आधार सत्यापित करने पे जाएंगे या फिर यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ खुल जाएगा, यहाँ भी आपको सत्यापित करने पे क्लिक करना है, सेम पेज पे लेके जाएगा और यहाँ पे कर देना, अगर डेटा सही होगा तो वो सबमिट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लाभार्थी निवारण पे। लाभार्थी निवारण, जैसे कि आपने जो भी लाभार्थी ऐड कर रखे हैं यहाँ पे, लाभार्थी जो भी गर्भवती धात्री, तो वो क्या है कि PoshanTracker.in साइट पे इशू रेज कर सकती हैं। जब वो इशू रेज करेंगी ना कि उन्हें THR नहीं मिला या उनका होम विजिट नहीं हुआ है कंप्लीटेड, तो वो जनरेट करेंगी इशू, तो यहाँ पे आपको न्यू इशू में उसका इशू दिखेगा और उसमें ये चीज़ भी दिखेगा कि मार्क एज रिजॉल्व इन रेड कलर में। जैसे आप उसको क्लिक करके यस कर देंगे तो कहाँ चला जाएगा, रिजॉल्व में, इस तरह से रिजॉल्व में सारा, जैसे सप्लीमेंट्री नोटिशन उसे मोहन को नहीं मिला तो टिकट रेज किया था, आपने उसको मार्क एज रिजॉल्व कर दिया तो रिजॉल्व में आ गया है ना। उससे पहले उसके घर जाना, उसका काउंसलिंग करना, उसका प्रॉपर शिकायत जो उसको निवारण करना है, ठीक है। आपका आता है प्रवास, लाभार्थी प्रवास, ये क्या है, तो जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमन सेंटर ए पे अभी तक लाभ ले रही थी 2-3 महीने तक गर्भवती, और वो वहाँ पे लाभ ले रही थी, ठीक है। जितनी बेनिफिशियरी माइग्रेट करेंगे तो वहाँ पे उसका आपका लिस्ट आएगा। ये तो करना यहाँ पे किसको है, तो जो मान लीजिए सपोज सेंटर ए की गर्भवती तुरंत से चली जाती है मायके सेंटर बी पे, और वो चाहती है कि सेंटर बी पे भी वो जो सेंटर ए पे लाभ मिल रहा था वो ले सके, ठीक है। तो सेंटर बी की सेविका उसे प्रवासी लाभार्थी करेगी
यहाँ पे उसका नाम मोबाइल नंबर लिखेगी और यहाँ पे आधार के अनुसार उसका नाम लिखेगी ये, और ये सुरक्षित करेगी। जैसे करेगी वो डेटा सेंटर ए से उठ के सेंटर बी में चलाएगा और वो लाभार्थी सेंटर बी पर रजिस्टर्ड हो जाएगी। उसका डेटा चूँकि ए से उठ के सारा बी पे चला गया, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसका जो आधार और मोबाइल नंबर है सेंटर ए पे वेरीफाइड होना चाहिए। अब आते हैं मुद्दा उठाए पे। मुद्दा उठाए पे ये सेविका करेंगे, सेविका का नाम यहाँ आएगा, ईमेल आईडी आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, और जैसे उसे ऐप में कोई रिलेटेड ऐप में कोई इशू परेशानी हो रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा चीज़ें कि टीचर कैसे भरना है, लाभार्थी कैसे हटाना, तो विषय में लिखेंगे और अपने अपने मुद्दा को संक्षिप्त में यहाँ पर 250 शब्दों में समझाएंगे। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट विषय में लिखेंगी बेनिफिट कैसे डिलीट करें, यहाँ पे लिखेगी कि मेरे AW सेंटर में प्रेग्नेंट वुमन में राधा नाम की प्रेग्नेंट राधा धा का डुप्लीकेट एंट्री हटाना है और वो क्या करेंगे सुरक्षित कर देंगे। अब आता है आंगनवाड़ी उपयोगकर्ता। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन हमारे आंगनवाड़ी को उपयोग करता है, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, आशा, NM, ठीक है। अब आते हैं आंगनवाड़ी केंद्र स्थिति पर। ये क्या है, निगरानी के बाद की चेकलिस्ट। ये आपको सेविका को हर दिन भरना है। नए चेकलिस्ट जोड़े पे क्लिक करेंगे तो चूँकि आज रविवार है बट ये आपको सोमवार से लेकर शनिवार तक ही करना है, क्योंकि हमारा आंगनवाड़ी सेंटर रविवार को बंद रहता है, रविवार को आपको नहीं करना है। तो सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको डेली ये भरना पड़ता है। चलिए इसमें क्या प्रश्न आते हैं, स्वस्थ और सुरक्षा पर। आंगनवाड़ी केंद्र परिसर की सफाई हर रोज होती है तो हाँ करना है। रसोई घर किचन साफ रखा जाता है तो अगर आपने साफ रखा है तो हाँ करेंगे, नहीं रखा है तो नहीं करेंगे। हाँ, टॉयलेट साफ रखा जाता है, हर रोज धोया जाता है, हाँ। भंडारण साफ चूहों और कीड़ों मकड़ों से मुक्त रखा गया है, हाँ। राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार सामग्री संग्रहण, हाँ। राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार टीचर का संग्रहण, हाँ। कीटनाशक कीट, तो जितने भी प्रश्न हैं उसको आपको पढ़कर हाँ या ना में आंसर करना है। स्वच्छ हाँ, बर्तन और साफ साधन साफ है, हाँ। दिशा अनुसार स्थानीय रूप से फैली गई सामग्री है, नमक वर्षे यानी मसाला, ये राइटिंग मिस्टेक के मसाले हैं तो वहाँ करेंगे, ताजी सब्जी अगर है तो वहाँ करेंगे, दलहन यानी कि दाल वगैरह जो है, चीनी गुड़ हाँ व्यक्तिगत स्तर बनाए रखिए, हाँ। हाँ, दिन का पालन किया गया है, खाना साफ प्लेट और कटोरे में परोसा गया था, भोजन साफ प्लेट और कटोरे में परोसा जाता है, काम बाद इंटर किया जाता है। इस प्रकार से जो भी प्रश्न है आप उसको पढ़कर हाँ या ना में जवाब देना है आपको। आप पढ़ लेंगे, मैं एग्जाम्पल के लिए चीज़ें कर रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग AWC इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये आपको वन टाइम करना है, अगर आपने इसे पहले नहीं भरा तो एक बार भर देंगे, और जब दोबारा कोई चेंजेस होते हैं आपके आंगनवाड़ी पे, मान लीजिए किराए का था, अब वो नया बिल्डिंग मिल गई है, नई जगह पे चली गई है, उसको फिर से अपडेट कर देंगे, पहले आपको एक बार भरना पड़ेगा क्या किराए पे है। इस प्रकार से बहुत सारा प्रश्न आपको इसमें आएंगे। सामुदायिक भवन है, विद्यालय में या पंचायत में जिस पे चल रहा है आप उसको टिक करेंगे, है ना। वर्क कैसा है, कैटेगरी शहरी ग्रामीण जनजाति है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए क्या नहीं बिल्डिंग मंजूर भी, हाँ ना, आपको करना है, जारी रखने पर क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ना है ना। बिल्डिंग का प्रकार पक्का है, कच्चा है, साइट उपलब्ध है, हाँ, साइट विभाग को सौंप दी गई है, हाँ ना, है ना, क्या पूछ रहा है, बिल्डिंग का विवरण पूछ रहा है आपको, यहाँ पे तो आपको अपने समझ से भरना है, हाँ ना में। बिल्डिंग की सुविधा कैसी है, स्टोर रूम है, स्टोर रूम की जगह है कि नहीं, रसोई घर है कि नहीं, पौधे की जगह है कि नहीं, पौधे की जगह है कि नहीं,
पता नहीं पेंटिंग डन यानी कि दीवारों पर जो भी पेंटिंग की जाती है वो क्या वाइट नहीं पेंट की आवश्यकता है कि नहीं, मतलब व्हाइट वॉश जो लोग पेंट करते हैं घर को तो वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। पेयजल कनेक्शन है कि नहीं, पीने का वाटर फिल्टर मौजूद है आपको मिला है एनिमल सेंटर में है कि नहीं, स्थापित मोटर को वापस स्टैब्लिश किया हुआ है कि नहीं आपके एनिमल सेंटर में, जो सौर प्लेट लगाते हैं सौर ऊर्जा वाले वो है कि नहीं, खेल का मैदान है कि नहीं, किचन गार्डन है कि नहीं, मतलब और एक हम लोग नीति गार्डन लगाते हैं ना अपने कैचमेंट एनिमल सेंटर पे वो पूछा जा रहा है रोशनी सौर रोशनी मतलब सौर लाइट से कोई आपको लग जाएगा कि बिजली की रोशनी कि नहीं, बिजली है तो आ करेंगे नहीं, मतलब करेंगे सौर पंखा का दिया गया तो आ करेंगे तो ना करेंगे सौर पंखा तो नहीं दिया गया होगा आपको, बिजली की पंखा आना कंपाउंड है कि नहीं, बाल वाटिका है कि नहीं, प्लेट है कि नहीं, ग्लास है कि नहीं, बर्तन है कि चटाई है कि नहीं, टीवी है कि नहीं, ऐसे है कि नहीं, सब हाँ या ना करेंगे, डिशेज कुकर है कि नहीं, माल बच्चों वजन मशीन है कि नहीं, वहीं फंक्शनल है कि नहीं, उसी वजन का पैमाना मतलब वहीं स्केल है कि नहीं, वो फंक्शनल है कि नहीं, गैस हर महीने दो मिलते हैं, चार मिलते हैं, पाँच मिलते हैं, जो मिलता है कितने आपने यहाँ पे कितने हैं आपको सिलेंडर वो लिखना है, कितने सिलेंडर हैं आपके सेंटर पर, दो हैं तीन हैं चार हैं वो लिखना है, शौचालय टाइप ऑफ टॉयलेट आंगनबाड़ी सेंटर फ्लश सिस्टम है कि नहीं, किस तरह का है, पिट वाला है गड्ढे वाला है या बंदी पेशाब करने वाला यूरिनल फ्लश सिस्टम जो जगहों पर लगा रहता है यानी है चाइल्ड फ्रेंडली है टॉयलेट है ना, तो हम लोग सिंपल रखते हैं वो है ओनली यूरिनल मतलब पेशाब कर सकते हैं, करने से शौचालय के निर्माण मंजूरी प्राप्त हुई है, पानी का कनेक्शन वेंटोमीटर तो इन सब का आंसर आपको करके आगे बढ़ना है, तो ये बिल्डिंग का उन्हें मतलब अपडेट करने की कर सकता है कि बिल्डिंग उन्हें अपग्रेडेड की गई है पहले से की गई तो हाँ करेंगे, की गई तो ना करेंगे, क्या बिल्डिंग भविष्य में उन्हें की जरूरत है कि आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो हाँ ना करेंगे, सुरक्षित करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अपडेट हो गया, तो इस प्रकार से आप इसको भी भर देंगे। अब आते हैं आपके AWH प्रोफाइल में, ये जैसे जो भी मेन सेंटर है वहाँ पे हेल्पर होती है और 21 दिन अगर सेंटर खुलता है तो सहायिका को भी 250 रुपये अतिरिक्त मानदेय मिलता है उस महीने, तो इसलिए आप हेल्पर का प्रोफाइल जो भी सेविका है जरूरी जरूर से जरूर अपडेट कर दें, सो दैट उसे भी 21 दिन या 21 दिन से ऊपर आंगनबाड़ी सेंटर खुलने पर उस महीने अतिरिक्त मानदेय के रूप में 250 रुपये दी जा सके, ठीक है। उसका आधार नंबर आएगा, नाम आएगा, जन्मतिथि आधार के हिसाब से आएगी, यहाँ लिंग आएगा महिला नॉट पुरुष, उसकी ईमेल आईडी है तो डालें, मोबाइल नंबर जहाँ पे स्टार देख रहे हैं ना वो मैंडेटरी है तो जरूर भरेंगे, जैसे मोबाइल नंबर में एक स्टार लगा पड़ा है तो यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, कितने सालों से वो काम कर रही है वहाँ लिख देंगे अनुभव में, उसकी शिक्षा कैसी है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है बैचलर है, तो आप उस हिसाब से वो टिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपके आंगनबाड़ी सेंटर का नाम आएगा, कोड आएगा, उसके बाद ये सुरक्षित कर दें। बैंक के खाते भी अगर आपके डिटेल है तो भर दें उससे लेकर, अदरवाइज कुछ दिन बाद वो भर सकते हैं, पहले ये डेटा आप सुरक्षित कर दें, क्लियर है। उसके बाद AWC लोकेशन, AWC लोकेशन कब करना है, जब आप उसके जब आप अपने सेविका जब अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर रहेगी तो ही AWC लोकेशन करना है, वन टाइम एक्टिविटी है, जब आप एक बार रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज जब तक ये सेंटर जब फिजिकली चेंज ना हो, सपोज़ आप कहीं दूसरे जगह रेंट पे चला रहे थे और आपका आंगनवाड़ी फिर दूसरे जगह शिफ्ट हो गया तो ये फिर दोबारा से अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर कहीं आप रेंट पे चला रहे थे आपको नई बिल्डिंग मिल गई तो आप जब नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे तो एक बार वहाँ पे आप अपडेट कर लेंगे AWC लोकेशन। करना क्या है आपको, अपडेट करें पे क्लिक करेंगे, आर यू एट आंगनवाड़ी सेंटर नाउ पूछा जाएगा, तो आप जब सेंटर पर रहेंगे तो वहाँ करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपका लोकेशन दर्ज कर लेगा और मैसेज आएगा AWC लोकेशन कैप्चर एंड सेव सक्सेसफुली, ऐसे आप ओके करेंगे, आप यहाँ देख पाएंगे साइड में सक्सेस मैसेज ग्रीन में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भाषा चुने हैं, यहाँ क्लिक करके आप यहाँ पे उपलब्ध 22 लैंग्वेज हैं, 22 भाषाओं में दिया गया है, अगर आप इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं तो हिंदी पे सेलेक्ट करें, अगर हिंदी में कंफर्टेबल है इंग्लिश में कंफर्टेबल तो इंग्लिश सेलेक्ट करके या पुष्टि करें पे क्लिक कर देंगे तो ये इंग्लिश में चेंज हो जाएगा, अगर हिंदी में चेंज करना है तो नीचे हिंदी हिंदी पे करके कन्फर्म करेंगे तो वो हिंदी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और ये लॉग आउट बटन है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे
तो बाहर चले जाएंगे आपसे, जहाँ पे आप मोबाइल नंबर और पिन डालते हैं। धन्यवाद।